हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदना और आज मैं बना रही हूँ नवरात्र के लिए, अष्टमी के लिए माता का प्रसाद। और प्रसाद में आज बनेगा सूजी का हलवा और साथ में चने, काले चने हम बनाएंगे। प्रसाद के चने बनाने हैं तो इसके लिए काले चने चाहिए होते हैं, जिनको कांटे वाले चने भी कहते हैं। तो एक कटोरी लिया मैंने जो ब्राउन कलर का होता है ना, इसे अच्छे से वॉश कर लें और फिर इसे गर्म पानी में भिगो दें आप 5 से 6 घंटे के लिए। 5-6 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे ना तो चना जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। प्रेशर कुकर में डालें और इसमें पानी डाल दें आप कम से कम 1.5 कटोरी, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। और इसमें अब हम ले लेंगे विसल। तो हमें यहाँ पर 2 विसल ले ली है और 30 मिनट के बाद जो मैंने प्रेशर कुकर को खोला ना तो चना हमारा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, हमें इसकी सब्ज़ी नहीं बनानी है तो चना जो है वो मशी नहीं होना चाहिए। 1 कटोरी के अंदर मैंने धनिया पाउडर लिया 1 चम्मच, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा सा, और साथ में जाता है 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर। इसमें हम डालेंगे पानी और इसे करेंगे हम मिक्स। ये हम कर रहे हैं चने के मसाले की तैयारी। तो घी लिया है एक पैन में, प्रसाद है तो घी डालिएगा। और जैसे गर्म होता है इसमें डाला है मैंने जीरा। ये जाता है हमारा मसाला जो हमने अभी अभी पानी के साथ मिक्स किया था। और बस इसे लो फ्लेम पर हम पका रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, लो फ्लेम है अभी। 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाइएगा। इसमें जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर गरम मसाला। ये टेस्ट को आप बैलेंस कर लें अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको मसाले चाहिए। और बस इसे हमें पकाना है। और ये गए हमारे काले चने। इसमें सॉल्ट को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ध्यान रखिएगा। जब हमने चना पकाया था ना तो उसमें सॉल्ट डाला था, तो और मैं सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पर। किस किस के घर में ये वाले जो नवरात्र अभी चल रहे हैं, चैत्र नवरात्र, इनका ज़्यादा महत्व है। मेरे घर में ये वाले जो चैत्र नवरात्र है ना, इनमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा पूजा पाठ होती है और नंगे पैर रहते हैं हम लोग घर में। और मैंने इसे फिर से 5 मिनट ढक के पकाया और इसमें डाल दिया थोड़ा सा अदरक कूट करके या ग्रेट करके, और हरा धनिया, और मिक्स करके हम इसे छोड़ देंगे। ढक करके जब पकाया ना तो उससे थोड़ा सा और चना सॉफ्ट हो गया और मसाले इसके अंदर तक रच बस गए हैं। तो ये हमारा प्रसाद का काला चना तो रेडी हो चुका है। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर सूजी का हलवा। घी ज़्यादा लगेगा भाई, 1 कटोरी मैंने घी लिया है, हैवी बॉटम पैन के अंदर गर्म कर लिया। पहले हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो काजू को मैंने ब्राउन होने तक भूना। तो ये काजू हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने घी लिया है और 1 ही कटोरी हमने सूजी लिया है। आप रेशो को देख लें, 1 कटोरी घी 1 कटोरी सूजी। बस इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि सूजी की खुशबू नहीं आने लगती, इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता, और कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। एक स्टेज ऐसा आता है कि जो सूजी है वो सारा घी छोड़ देती है, और दूसरी स्टेज ये आती है कि अभी जो है कलर भी इसका ब्राउन हो चुका है, घी अलग से दिख रहा है, और जो सूजी है अगर इसे आप उठाते हैं तो इसमें बबल्स आ रहे हैं। बस इस स्टेज पे हमने इसमें डाला है पानी। तो 1 कटोरी सूजी के अंदर आपको 3 कटोरी पानी डालना है, ठीक है। पानी आप चाहें तो गर्म करके डाल सकते हैं, मैंने ठंडा ही पानी डाला है क्योंकि पेन हैवी होता है ना तो संभलता नहीं है, और कभी कभी कढ़ाई उछल जाती है बबल्स की वजह से। बस अभी से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट में सारा पानी जो है वो पी लेगी सूजी। हमारे यहाँ है ना नवरात्र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, पूरे 9 दिन तक पूजा पाठ चलता है। हम लोग दोनों टाइम फास्ट करते हैं, 1 टाइम हम लोग फलाहार करते हैं और माता के पाठ चल रहे होते हैं, हवन चलता है, अष्टमी को हवन होता है, और कम से कम 10 से 12 ब्राह्मण डेली पूजा कर रहे होते हैं, और पूरे घर के हम सभी लोग भी पूजा में शामिल होते हैं। चलिए, तो यहाँ मैंने डाल दिया है शुगर, और शुगर डाला है मैंने 1 कटोरी। अब यहाँ पर मिठास आप फिर से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। इसके अंदर हमको इलायची भी डालनी है अभी कूट करके, तो इलायची मैंने कूट करके रखी हुई है, पर पहले ये जो चीनी है ना ये सूजी पी ले, और उसके बाद हमने इलायची डाल दी है, फिर से मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जाता है। और हाँ, किस किस के यहाँ नवरात्रि में नंगे पैर रहते हैं, बिना जूते और चप्पल के रहते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और ज़मीन पे सोते हैं। हमारे यहाँ नवरात्र में ज़मीन पे सोते हैं, पूजा पाठ चलती है, फलाहार 1 टाइम होता है, खाना नहीं होता है, खाना मतलब कि फलाहार 1 टाइम होता है,
और नंगे पैर रहते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, किस किस के यहाँ ऐसा होता है प्लीज़ बताइएगा। चलिए तो इसमें डाल दिया मैंने काजू, कटा हुआ बादाम, किशमिश, और उसके अलावा भी आप अपनी चॉइस के जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो हमारा जो सूजी का हलवा है ये बन करके तैयार हो चुका है, पहले जाएगा ये भोग के लिए और फिर प्रसाद बन करके आएगा हम सब के लिए। देखते देखते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।